प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम अपठित गद्यांश विषय का अध्ययन एवं अभ्यास करेंगे। अपठित गद्यांश क्या होता है और उसे किस प्रकार हल किया जाता है, इसे जानेंगे। तो आइए समझते हैं अपठित गद्यांश क्या होता है और इसे किस प्रकार हल किया जाता है। अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित का अर्थ होता है जिसे न पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है किसी गद्य का अंश। तो अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ किसी गद्य का वह अंश या खंड जो पहले न पढ़ा गया हो। ऐसे गद्य खंड पाठ्य पुस्तक से ना लेकर किसी निबंध, कहानी या फिर समाचार पत्र आदि से ले लिए जाते हैं और इन्हें आधार बनाकर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर आपको दिए हुए गद्यांश से ही ढूंढ कर लिखने होते हैं। अपठित गद्यांश के उद्देश्य हैं, बच्चों का भाषिक ज्ञान परिपक्व होता है, बच्चों में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है, बच्चे नए नए शब्दों से परिचित होते हैं जिससे उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, और बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है जिससे वे वाक्य निर्माण कर अपनी बात को भली प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। अपठित गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सर्वप्रथम दिए हुए गद्य खंड को एकाग्रता पूर्वक 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़कर समझ लेना चाहिए। फिर पूछे गए प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए हुए गद्यांश में से ही छांटने चाहिए। उत्तर संक्षिप्त, शुद्ध तथा प्रभावी तरीके से लिखने चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया है तो गद्यांश का मूल भाव समझते हुए उचित एवं सार्थक शीर्षक लिखें। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़कर ही चुने और अंत में दिए हुए सभी उत्तरों को दोबारा पढ़कर उनकी जांच करना ना भूलें, और यदि कोई त्रुटि दिखाई दे तो उसे तुरंत दूर करें। बच्चों, अपठित गद्यांश आधारित प्रश्नों को हल करते समय यदि विद्यार्थी दिए हुए नियमों का पालन करे तो उसे अपठित को हल करना बहुत आसान हो जाता है और परीक्षा में ये उन्हें अच्छे खासे अंक दिलाते हैं। आइए एक अपठित को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए गए हैं वो देखते हैं। प्राचीन समय में हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र राज्य करते थे। इनके पुत्र कौरव कहलाए और इनके भाई पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से पढ़ते थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को पाठ पढ़ाया कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य बोलना चाहिए। गुरु जी ने यह भी आज्ञा दी कि सभी यह पाठ याद करके कल मुझे सुनाएंगे। अगले दिन पांडु पुत्र युधिष्ठिर को छोड़कर सभी ने पाठ सुनाया। राजकुमार युधिष्ठिर ने उस पाठ को शेष राजकुमारों की भांति न केवल कंठस्थ किया बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारा। गुरु जी द्वारा दंड देने एवं पीटे जाने पर भी क्रोध नहीं किया और सदा सच बोला। इसी से इन्हें
धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। तो बच्चों, इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका उत्तर हमने इसी गद्य खंड को ध्यान में रखते हुए, इसी के मध्य में से चुनते हुए दिए हैं। प्रश्न एक, धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? उत्तर, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। प्रश्न दो, कौरव और पांडव के गुरु कौन थे? पांडव के गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु ने राजकुमारों को कौन सा पाठ याद करने को कहा? उत्तर, गुरुजी ने राजकुमारों को क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और सदा सच बोलना चाहिए पाठ याद करने को कहा। प्रश्न चार, धर्मराज किन्हें कहा जाता है? उत्तर, धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है। प्रश्न पांच, सदा शब्द के दो पर्याय लिखिए। उत्तर, हमेशा, सदैव। तो यहां आप देख सकते हैं कि सभी उत्तर दिए हुए गद्य खंड से ही छांटकर लिखे गए हैं। बच्चों, अब मैंने आपके लिए अभ्यास कार्य में एक अपठित गद्यांश दिया है, जिसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हुए गद्यांश से ही तलाशने हैं। तो आइए देखते हैं। हम भारतवासियों के लिए हमारा देश सबसे प्रिय है। महाप्रतापी राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। प्राचीन काल में इसका नाम आर्यावर्त था। भारत के उत्तर में बर्फ से ढका हुआ पर्वत राज हिमालय मुकुट के समान सुशोभित हो रहा है, तो दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण धोता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर भारत की पावन भूमि को स्पर्श करता है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में पाकिस्तान और पूर्वोत्तर में बांग्लादेश है। भारत देश में क्रमशः 6 ऋतुओं का आगमन होता है। यहाँ की वन संपदा अपार है। भारत को ज्ञान के भंडार के कारण ही जगत गुरु की संज्ञा दी गई है। अब पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न एक, भारत देश का नाम किसके नाम पर पड़ा? प्रश्न दो, प्राचीन काल में भारत को किस नाम से पुकारा जाता था? प्रश्न तीन, भारत के उत्तर में मुकुट के समान क्या सुशोभित हो रहा है? प्रश्न चार, भारत के पूर्वोत्तर में कौन सा देश है? प्रश्न पांच, भारत को जगत गुरु की संज्ञा क्यों दी गई है? तो जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर दिए हुए अपठित गद्यांश से चुनकर लिखिए, से ढूंढ कर लिखिए। धन्यवाद। आशा करती हूं कि आप सभी अपठित गद्यांश को हल करना सीख गए होंगे। अब यदि आप अपठित गद्यांश को हल करने का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तो आपको उसमें कुशलता प्राप्त होगी।